morning students, welcome to the science class. Today we will discuss about atmospheric pressure. This is the last topic of this chapter, atmospheric pressure. Okay, we all know that there is a blanket of air around us, and this blanket of air around us, this is known as atmosphere. Okay, the atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. So the blanket of air around us is known as atmosphere. Okay, and this air also exerts pressure. So the pressure exerted by the blanket of air which is present around us is known as atmospheric pressure. This is known as atmospheric pressure. We know that pressure is force per unit area. Okay, we all know the formula for the pressure. P is equal to force upon area. Okay, so if we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air is in this cylinder is the atmospheric pressure. Okay, क्या करो, imagine कर लो कि एक यूनिट एरिया है. यूनिट एरिया अकॉर्डिंग टू दिस फिगर 11.17, इसमें यूनिट एरिया एटमोसफेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया. यूनिट एरिया है, ओके. इस एरिया में मान लो एक कॉलम रखा गया है, कॉलम है, ओके. देन ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन दिस यूनिट एरिया फिल्ड विथ एयर, इसको पूरा एयर से भर रखा है. देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर, इस एयर में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा इस सिलेंडर, वही एटमोसफेरिक प्रेशर होता है. सो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमोसफेरिक प्रेशर. सो तो वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो एक यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स जो है उसको हम प्रेशर बोलते हैं. सो मान लो एक यूनिट एरिया है जिसमें एक कॉलम रखा गया है यूनिट एरिया में और उसमें एयर भरी हुई है, ओके. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है एयर में वही एटमोसफेरिक प्रेशर के बराबर है, क्योंकि एरिया तो यूनिट एरिया है. यूनिट एरिया मतलब वन, ओके. तो फोर्स जितना भी है ग्रेविटी के द्वारा वही क्या हो जाएगा, एटमोसफेरिक प्रेशर हो जाएगा, ओके. नाउ लेट्स वी सी इन डिटेल. Now, but how large or small is the atmospheric pressure? ये atmospheric pressure आखिर कितना होता है, इसके magnitude का थोड़ा idea लेते हैं हम. कुछ activities हैं इसमें. Activities 11.11, air हमारे चारों तरफ जो pressure लगाती है उसको हम atmospheric pressure कहते हैं, ठीक है. ये atmospheric pressure कितना होता है उसके लिए हम थोड़ा ये activities बताई गई हैं. जैसे activities 11.11, इसमें क्या करना है, take a good quality rubber sucker. ओके, आपको एक रबर सकर लेना है गुड क्वालिटी का, ओके. और कैसा ये रबर सकर कैसा होता है कि स्मॉल जो रबर कप है ना उसकी तरह लगता है, रबर के कप की तरह लगता है. और प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस. अब एक हार्ड स्मूथ प्लेन सरफेस पे उसको प्रेस करो आप, ओके. प्रेस करो ना, आपको क्या क्या फील होगा, इट स्टिक टू द सरफेस. यू विल फील दैट इट विल स्टिक टू द सरफेस, इट विल स्टिक टू द सरफेस. नाउ ट्राई टू पुल इट आउट from the surface, okay. Try to pull it off from the surface. It and you will find that it would be difficult for you to pull out from the surface. जब आप उसको surface पे stick करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको दोबारा वापस निकालना. So a rubber surface sucker pressed to the pressed on a surface. Okay, so in this figure you are seeing that a rubber sucker pressed on a surface. सर रबर सकर को आप सरफेस पे प्रेस्ड करते हो और उसको दोबारा ऊपर उठाना चाहते हो तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ओके. क्यों? क्योंकि जितनी भी एयर ट्रैप थी रबर सकर के बिटवीन, उस रबर सकर के और सरफेस के बीच में, वो जो है निकल गई, ओके. व्हेन यू प्रेस्ड द सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट, ठीक है. हवा निकल जाती है जब आप उसको प्रेस्ड करते हो तो कप ऑफ सरफेस के बीच में जितनी एयर है वो निकल जाती है. अब अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. वैक्यूम क्रिएट होने के कारण
बाहर से जो एयर है वो उस पर प्रेशर लगाती है, ओके तो अनइक्वल प्रेशर हो गया, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, इस वजह से वैक्यूम क्रिएट होने के कारण अब वो शक्कर को निकालना आपके लिए मुश्किल है, ज़मीन से निकालना दोबारा आपके लिए मुश्किल होता है। द शक्कर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमोसफेयर एक्ट्स ऑन इट, क्योंकि एटमोसफेयर प्रेशर उस पर अपना प्रेशर लगा रहा है और अंदर जो है एयर निकल चुकी है, उस पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, अंदर कोई एयर नहीं है। यू नो ना द स्पेस वेयर देयर इज नो एयर इज नोन एज वैक्यूम, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया और बाहर से एटमोसफेयर उस पर प्रेशर लगा रहा है, इस वजह से वो जो है स्टिक हो गया। टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज एनफ टू ओवरकम द एटमोसफेयरिक प्रेशर, सो उसको हटाने के लिए आपको एटमोसफेयरिक प्रेशर से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि वो आप उसको हटा सको। सो इस एक्टिविटी से आपको आइडिया हो रहा है कि हाउ ग्रेट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमोसफेयरिक प्रेशर, हाउ ग्रेट इज़ द एटमोसफेयरिक प्रेशर। ओके इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग टू पुल द शक्कर ऑफ, ओके टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द शक्कर एंड द सरफेस, अगर पूरी एयर हटा दी जाए, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो हम उसको हटा ही नहीं सकते, उस शक्कर को हटाना मुश्किल हो जाएगा। ओके अगर एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो वो तो थोड़ी बहुत एयर अंदर रहती है, जो एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उसके कारण थोड़े प्रेशर ज़्यादा लगाने से हम उसको हटा पाते हैं, ठीक है। सो एटमोसफेयरिक प्रेशर इज़ वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड वी कैन से। नाउ इसी तरह से ये कि द फिगर 11.19 शोज़ द प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर ऑन योर हेड, कि एटमोसफेयर का कितना प्रेशर हमारा हेड जो है लेता है, कितना प्रेशर लेता है। ओके द फोर्स ड्यू टू एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोसफेयर, द फोर्स ड्यू टू एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोसफेयर एंड एरिया 15 cm × 15 cm इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg। ओके द रीज़न वी आर नॉट क्रस्ट अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इन साइड अवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोसफेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। देखो द फोर्स ड्यू टू द एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोसफेयर, जो हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है, हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है जो कि एयर कॉलम हमारे ऊपर लगाती है, जो एयर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट पे मान ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg, इतना तो कितना करी करी जो फोर्स लगता है वो 2225 newton के बराबर जो है फोर्स लगता है एयर का। ओके ये कब माना गया है, ये फोर्स तब माना गया ड्यू टू द एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोसफेयर एंड एरिया, एरिया कितना होना हाइट ऑफ द एटमोसफेयर, हाइट एटमोसफेयर के बराबर हाइट एंड और एरिया जो है 15 cm × 15 cm लिया गया, 15 × 15। ओके तो ये जो फोर्स है ये बराबर होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 225 × 10 कर देंगे हम, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है जी की वैल्यू 10 होती है, 10 m/s², तो 225 मास इंटू, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला होता है m × g। ओके फोर्स बराबर होता है मास इंटू जी, m × g। ओके तो मास यहाँ पर है 225, g जो है जी की वैल्यू यहाँ पर 10 के बराबर है, 10 की कांस्टेंट होती है वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण जो जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है 10। तो 225 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 या आ जाएगा 2250 newton, इतना फोर्स जो है करीब करीब एयर जो है लगाती है। ओके इतना फोर्स एयर लगाती है। नाउ सो अब क्या है कि हमारी बॉडीज, लेकिन हम क्रश नहीं होते, इतना फोर्स एयर लगा रही फिर भी हम क्रश नहीं होते इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हमारी बॉडी भी उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही प्रेशर लगता है हमारी बॉडी के ऊपर। बिकॉज दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडीज इज
ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड. हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर लगाती है इस एटमोस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए. ओके सो इस वजह से हमारी इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी भी अंदर से उतना ही प्रेशर लगाती है, इसलिए हम इस प्रेशर से क्या क्रश नहीं होते. ओके इससे असर नहीं पड़ता हम पे. सो नाउ इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें बताया कि हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फेयर, डिड यू नो. इसमें ये बताया गया कि ऑटो वॉन ल्यूरिक जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 17th century में एक पंप इन्वर्ट किया था, इन्वेंट किया था. उसमें से उन्हें सारी हवा जो है वेसल, उन्होंने एक पंप से उस एक वेसल में से सारी हवा निकाल दी थी. इन्वर्टेड ए पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ ए वेसल. एक वेसल में से, एक बर्तन में से सारी हवा उन्होंने बाहर निकाल दी पंप से. अब क्या क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर. वो दिखाना चाहते थे कि एयर प्रेशर कितना स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, उन्होंने एक वेसल में से सारी एयर एक पंप से बाहर निकाल दी. ठीक है, उन्होंने दो हेमिस्फीयर लिए थे, आधे आधे स्पेयर लिए थे. ही ज्वाइन टू हॉलो मेटलिक हेमिस्फीयर, दो मेटलिक हेमिस्फीयर लिए थे, और फिर उसके बाद में जो कि 51 centimeter डायमीटर ईच, दोनों का जो डायमीटर था कितना था, 51 centimeter था दोनों का डायमीटर, करीब 51 centimeter. और उसके बाद में उसमें से पूरी एयर पंप करके दोनों को जोड़ दिया. ओके, ही ज्वाइन द टू हॉलो मेटलिक हेमिस्फीयर ऑफ 51 centimeter डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम. उसमें से पूरी एयर जो है पंप कर ली बाहर. ओके, फिर उनको जोड़ दिया आपस, उनको जोड़ा और सारी एयर एक पंप से उसमें से निकाल दी. देन ही एम्प्लॉयड 8 horses ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट. उसके बाद में दोनों तरफ उन्होंने 8-8 horse जो है वो एम्प्लॉय किए, और जिससे कि वो हेमिस्फीयर टूट सके. दोनों तरफ 8-8 horses ने जो है फोर्स लगाया. बट सो ग्रेट इज़ द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट. वो हेमिस्फीयर फिर उसके बाद में अलग नहीं हो पाए, पहले तो अलग थे, फिर उन्होंने जोड़ा उसको, एयर सारी उनके अंदर की सारी एयर को निकाल दिया. लेकिन फिर उसके बाद में हॉर्सेस की पावर भी उन दोनों हेमिस्फीयर को अलग नहीं कर पाई. क्यों? क्योंकि अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया था और बाहर से एटमोसफेयर उस पर फोर्स लगा रहा था. ओके, एटमोसफेयरिक प्रेशर हेमिस्फीयर पर लग रहा था, तो अनइक्वल प्रेशर डेवलप हो गया. ओके, और इस वजह से क्या हुआ, जो हॉर्स की पावर भी उन हेमिस्फीयर को अलग नहीं कर पाई. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटमोसफेयरिक प्रेशर. स्टूडेंट्स, रीड दिस टॉपिक्स केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट्स, ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.